बाबू थोड़ा साइड हो जाओ ना, थोड़ा तिरंगा यात्रा निकाली गई है। यूसेट आप देख सकते हैं, उसके बगल में इकोनॉमिक्स है, अन्य डिपार्टमेंट्स है, हिस्ट्री है, फिलॉसफी है, कॉमर्स है, सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर लगे हुए। आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। राष्ट्रीय सेवा योजना यूसेट इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं। लाइव आ रहे आप, लाइव आ रहे, लाइव चल रहा है। हाँ जी के पास रुकेंगे, उन्हें नमन करेंगे, उसके बाद ही हम आगे। सभी विद्यार्थियों, अपने सहकर्मी शिक्षकों, पदाधिकारियों की ओर से आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या, बल्कि कहे कि पूर्व दिवस पर आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं आग्रह करना चाहूंगा यह भी कि जो यह तिरंगा यात्रा है, यह तिरंगा यात्रा निकालने का अवसर हम सबको बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। हमें यह याद रखने की जरूरत है कि इस आजादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के वीरों ने अपना बलिदान किया और तब यह आजादी हमें मिली है। आज हम एक आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। हम 76 साल आजादी के पूरा कर रहे हैं। आज कल 77वें स्वतंत्रता दिवस को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। वो समारोह आयोजित होगा इसी स्थल पर विश्वविद्यालय की ओर से। लेकिन आज जो हर घर तिरंगा का कार्यक्रम है, ये हम उम्मीद करते हैं कि जो तिरंगा हमारे हाथ में है वो हम सबके घरों पर भी लहराएगा। हमारे दिल में तो वो बसा हुआ है ही। और अभी जो यात्रा का मार्ग है, जो रूट है, वो है कि अभी यहाँ से दाहिनी तरफ से होते हुए हम लोग निकलेंगे, सम्राट अशोक भवन तक जाएंगे और फिर सम्राट अशोक भवन से वापस लौटते हुए आचार्य विनोबा भावे जी की प्रतिमा के समक्ष उनका नमन करते हुए इस यात्रा का समापन आज हम सब करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि अब सारे लोग लगभग जुट गए हैं और अब हम लोग कतार से चले, जिससे कि हमारे विश्वविद्यालय की जो गरिमा है और इसका जो गौरव बोध है, वो गौरव बोध देश की आजादी के गौरव बोध से एकीकृत होकर के हम सब में देश के प्रति सम्मान का भाव, देश प्रेम का भाव, देश की माताओं, बहनों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों सबके प्रति एक सहिष्णुता का भाव उत्पन्न हो, इसी कामना के साथ मैं आप सबको फिर से एक बार हार्दिक बधाई और अशेष शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद करता हूँ
कि हम लोग अनुशासन बनाए रखते हुए अपनी यात्रा को, तिरंगा यात्रा को पूरा करेंगे और तिरंगे के सम्मान में ये शपथ लेंगे कि आगे जो कुछ भी होगा, कारण कि झंडा जो होता है वह किसी भी देश की शान होता है और इस शान को बचाए रखने के लिए इसका लहराते रहना जरूरी है, फिर इस पर आंच न आए ये ख्याल हम लोग रखें। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जिंदाबाद। 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 आप सभी से आग्रह है, विभाग अनुसार आप अपने आप को पंक्तिबद्ध कर लेंगे, विभाग अनुसार अपने आप को आप पंक्तिबद्ध कर लेंगे और विभाग के हमारे जितने फ्रेटर्निटीज हैं, जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, आप सबसे आग्रह होगा कि आप अपने अपने विभाग को थोड़ा देखेंगे कि आप लोगों का जो सहयोग है वो हमें मिलते रहे, ताकि बच्चे भी उधर उधर ना हो। और जैसा कि हमने कहा है, बाई ओर से जो पटरी पे भवन एक बाइक लगी हुई है, आप जो बाइक लगी है उसे हटवा दे। प्रभाव कैसे पड़ेगा सर? आप प्रभाव गेट से कहा निकल रहा है, अब DSW के जात उठाते हैं। कहाँ चलना है सर? कहा इसी गेट से चलना है। एक के बाद एक आप करें तो ज्यादा बेहतर होगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
ठीक है सर, अभी सर भेजे को मेल कर दिया अभी, मल्टी डिस्प्ले वाला सिलेबस आ गया है। चलिए लाइव चला दे रहे, लाइव चल रहा खबर जारी वाले ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा हम आगे वहाँ से दूर से लेंगे, वहाँ से आते हैं, वहाँ से